ट्रांजेक्शन का हुआ, ये सारी चीजें आप यहाँ पे किसी डॉक्यूमेंट से आप मैप कर सकते हैं कि रिकरिंग ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट सिलेक्शन। पहले आप AR इनवॉइस बना लीजिए, AP इनवॉइस बना लीजिए किसी का भी, और उसको यहाँ से मैप करेंगे। आप जब सेलेक्ट करेंगे तो वो मैप हो जाएगा और वो पार्टिकुलर टेम्पलेट से वो ट्रांसफर होगा। यहाँ पे ये टेम्पलेट दिखाएगा, ठीक है, ये किस टेम्पलेट से आना है, और उसके बाद ये आपका ट्रांसफर होगा। एक पार्टिकुलर डेट फिक्स हो जाएगा, उस डेट में आपको ये रिकरिंग का और पॉपअप आता रहेगा, उससे आप ये इन्वेंट्री ओपनिंग बैलेंस जो अभी मैंने दिखाया उसी के थ्रू होता है। उसी तरह से आपको स्क्रीन ओपन होगा, टोटल स्टॉक सेलेक्ट कर लीजिए, क्वांटिटी प्राइस डाल दीजिए, उससे चलाएगा। मेन जो है आपका ये देखिए इन्वेंट्री रिवेल्युएशन एंड फिजिकल काउंटिंग। इसमें फिजिकल काउंटिंग अभी इसमें आया नहीं है, फिजिकल काउंटिंग होना चाहिए। इन्वेंट्री फिजिकल काउंटिंग, अच्छा हम ट्रांजेक्शन पे नीचे कोई ऑप्शन प्राइस लिस्ट पिक इन्वेंट्री रिपोर्ट है, अब इसको दिखाते हैं। ये जरूरी है इन्वेंट्री रिवेल्यूशन क्या है, ये सपोज दैट आपका स्टॉक पुराना है और इसकी आप कॉस्ट चेंज करना चाहते हैं, आपका साल भर से पड़ा हुआ स्टॉक यूज नहीं हुआ है और आज के डेट में उसका कॉस्ट इंक्रीज कर गया है। जो चीज़ें हमने साल भर पहले 100 रुपीज का लिया था, आज उसकी मार्केट वैल्यू क्या है, 120 है, तो हमें स्टॉक को रिवेल्युएट करना है। तो कैसे करेंगे, वो ये है, ठीक है, इन्वेंट्री रिवेल्यूशन। हमने इस पे आएंगे, आइटम सेलेक्ट कर लेंगे कि जो भी आइटम होगा जिसको हमें रिवेल्युएट करना है उसका स्टॉक होना चाहिए। बिना स्टॉक का आप इन्वेंट्री रिवेल्युएशन नहीं करेंगे, क्योंकि जब आपके पास है ही नहीं तो रिवेल्युएट क्या करेंगे। सपोज दैट मैंने इस आइटम को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, अब देखिए इस पे जैसे ही मैंने सेलेक्ट कर लिया इसका करेंट कॉस्ट क्या है वो दिखा रहा है। अब ये बोल रहा है कि न्यू कॉस्ट क्या होगा, अगर आप रिवेल्युएट करना चाह रहे हैं तो जिस न्यू कॉस्ट को हम डाल देंगे, सपोज 250 रुपीज में डालता हूँ, तो अभी जो हमारा इन स्टॉक इतनी क्वांटिटी है और इसकी कुछ मार्केट वैल्यू दिखा रहा होगा, दिस वन मल्टीप्लाई बाई 200 इसकी स्टॉक वैल्यू है, कितना है 4990 है। 4990 को अगर 200 से मल्टीप्लाई कीजिए तो इस आइटम की स्टॉक वैल्यू इतनी है, ठीक है, मतलब कि 10,000 में आपका समथिंग कम हो, 5,000 मल्टीप्लाई बाई 200 इज इक्वल टू 5 × 10 और 1,200, मतलब 1,00,000 के आसपास है। 1,00,000 में से आप क्या कीजिए, 10,000 माइनस कर दीजिए, 20,000 माइनस कर दीजिए, तो 80,000 का आपका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, इतना ज़्यादा मतलब अच्छे करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। ये आ गया कैलकुलेटर, ये मैंने लिया, आपके टोटल स्टॉक का वैल्यू अभी कितना है, अभी जो वैल्यू है 4990, ठीक है, इतना नंबर्स ऑफ पीस है और इसके एक की कितनी वैल्यू है 200 है, तो मैंने ये 200 डाल दिया, अभी कितना हो गया 9,98,000 का हमारा स्टॉक का वैल्यू है। अब इसको मैं रिवेल्यूएट कर रहा हूँ 250 से, तो हमारा स्टॉक वैल्यू क्या होगा, अब जो न्यू स्टॉक वैल्यू हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा जो अभी आपने देखा 9,98,000 वो अब क्या हो जाएगा आपका, अब हो जाएगा आपका कि 9,49,49,90, ठीक है, एंड मल्टीप्लाई बाई 250, ये हो गया 250, तो अब जो स्टिकी स्टॉक वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप रिवेल्युएट कर देंगे, यहाँ पे आपने डाल दिया, अब इसको आप क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। आप कुछ रिमार्क वगैरह डालना चाहते थे डाल सकते हैं, ये आपका रिवेल्युएट हो गया। अब मैं आपको इसका स्टॉक वैल्यू चेक कर, तो इस तरह से रिवेल्युएशन करते हैं, अगर हमें कुछ कॉस्ट बढ़ाना हो घटाना हो हम इस हिसाब से रिवेल्युएशन करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसका रिपोर्टिंग में आता हूँ, इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट इसमें आता है, तो उसको मैं दिखाता हूँ आपको कि कहाँ पे इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट ये है, लास्ट प्राइस आइटम लिस्ट, ये ऑडिट रिपोर्ट ये है, ठीक है। अभी जो हमने आइटम लिया था उसी आइटम को लेके मैं आपको चेक कराता हूँ क्या उसमें चेंज हुआ है, तो मैं रिवेल्युएशन में फिर से जाता हूँ और उसको बैक करके मैं उस आइटम को ओपन करूँ, ये मैंने रिवेल्युएट किया था, ये है आपका आइटम, ठीक है, इसी को मैं सेलेक्ट करता हूँ कॉपी F060, यहाँ पे देखिए क्या हुआ होगा इसके साथ, ये है आपका आइटम कोड, दोनों में मैं यही कोड डाल दूंगा ऐसे, ठीक है, और सिस्टम डेट मैं डाल देता हूँ आज का डेट, क्योंकि आज ही मैंने रिवेल्युएट किया है तो आज का डेट में डाल देता हूँ, ठीक है। ये अब यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए दो यहाँ पे जितने भी वेयर हाउस हैं लोकेशन वाइज है ये सारे हैं, अगर आपको नहीं पता है कि किस वेयर हाउस में आपने
ट्रांसफर किया है या रिवेल्युएट किया किस आय में होगा वो सारे आप ले लीजिए। अब इसको आप ओके कर दीजिए तो आपको ये इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट आएगा। ऑडिट में ये बताएगा कि क्या क्या, देखिए आपके स्टॉक वैल्यू ये आ गई जो मैंने आपको बोला था, वन ये है आपका इकाई दहाँ सैकड़ा हजार दस हजार 12,47,000 का जो हमारा 9,98,000 का। अब इसको एक्सप्लेन करेंगे तो सारा डिटेल देगा। ये देखिए ये बता रहा है कि जो पहले जो कॉस्ट था इसका, ये देखिए अब क्या है आपका ये 26,900 को ये दिखा रहा है एमआर मटेरियल रिवेल्युएट जो हुआ वो ठीक है। वेयर हाउस कहाँ था, यहाँ पे था। क्वांटिटी इसकी जीरो और कॉस्ट क्या था 50, पहले जीरो था फिर 50 हुआ। ट्रांजेक्शन वैल्यू हो गया दिस वन, कम्युलेटिव वैल्यू हो गया ये, पहले कितना था कम्युलेटिव वैल्यू 99,800 ये था और स्टॉक वैल्यू कितना था 4,990 ठीक है। ओपनिंग बैलेंस था ये, वो दिखा रहा है कि ओपनिंग बैलेंस जो था उसकी स्टॉक की वैल्यू कितनी थी, ये आपका ओपनिंग बैलेंस दिखा रहा है, उसकी कम्युलेटिव स्टॉक ये थी और उसकी वैल्यू ये थी ठीक है। फिर बोला कि 26 तारीख को इसको 50 रुपीज से रिवेल्युएट हुआ है, माने बढ़ा है प्राइस ठीक है कॉस्ट। अब जो इस ट्रांजेक्शन वैल्यू हो गया ये हो गया ठीक है, और ये जो ये ट्रांजेक्शन वैल्यू करने का मतलब जो बढ़ा हुआ वैल्यू है वो 50 रुपया मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको तो ये, और टोटल वैल्यू जो हो गया वो ये हो गया स्टॉक का, वो यहाँ पे दिखा रहा जो हमने अभी चेंज किया ठीक है। तो ये सारे आपको इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट में, किसी भी इन्वेंट्री के बारे में अगर आपको जानना है कि क्या ऑडिट है क्या उसमें चेंजेज हुए हैं ठीक है, तो ऑडिट रिपोर्ट देखिए। यहाँ तो मैंने पार्टिकुलर आइटम वाइज दिखाया, आप चाहें तो पार्टिकुलर आइटम कोड वाइज भी चेक कर सकते हैं, आइटम ग्रुप वाइज। सपोज दैट यहाँ पे आपने FG उठा लीजिए ठीक है कि फिनिश गुड है, अब इसको जब आप चेक करेंगे तो सारे ही FG आइटम आ जाएंगे, उसके स्टॉक रिकॉर्ड आ जाएंगे, किस वेयर हाउस में है उसकी अभी स्टॉक वैल्यू कितनी है, वो सारी चीज़ यहाँ पे देखिए। सारे जितने भी आइटम्स हैं जिसमें कि स्टॉक है वो बता रहा है इतनी क्वांटिटी है, इसकी स्टॉक वैल्यू कम्युलेटिव वैल्यू ये है। इसको जब एक्सपेंड करेंगे तो क्या क्या एक्टिविटी किस स्टॉक के साथ हुई है वो सारे डिटेल आएंगे। तो ये आपको इन्वेंट्री के लिए इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट जो वन ऑफ द बेस्ट रिपोर्ट होता है ये आपको आना चाहिए, क्योंकि कहीं भी आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट आपको मांगेगा ही। क्लियर ठीक है। तो इस तरह से आप ये डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ, बाकी आप खुद ओपन करके देखिएगा। तो ये हो गया आपका। अब आते हैं इन्वेंट्री ऑडिट रिपोर्ट के अलावा इसमें क्या है, साइकिल काउंटिंग इन्वेंट्री रिवेल्यूएशन हमने करा ही दिया, इसके भी रिपोर्ट्स हैं आपके ठीक है। बैच टेबल का आपको रिपोर्ट चाहिए, ये है यहाँ है रिपोर्ट, इसमें आपका ओपन आइटम लिस्ट ठीक है, डॉक्यूमेंट ड्राफ्ट अगर ड्राफ्ट में आपने कुछ बना के रख दिया है तो लास्ट प्राइस रिपोर्ट की पहले क्या था अब क्या चेंज हुआ है वो भी आप चेक कर सकते हैं। कोई आइटम अगर इनएक्टिव है तो वो यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं कौन कौन आइटम इनएक्टिव, पूरे के लिस्ट आ जाएंगे। इन्वेंट्री स्टेटस की किस आइटम की कितना स्टेटस है, कितने हमारे स्टॉक में हो सारे दिखाएंगे आपको। तो इस तरह से आपको इन्वेंट्री देखिए इन स्टॉक दिखाएगा, कमिटेड कितना है, अवेलेबल कितना है, तो इस तरह से आपको सारे रिपोर्ट आएंगे वन बाय वन करके। इन्वेंट्री ऑडिट मेन होता है जो आपको इन्वेंट्री इन वेयर हाउस पार्टिकुलर वेयर हाउस में हमारे कितने स्टॉक है वो अगर देखना है तो वो देख सकते हैं आप यहाँ से कि किस वेयर हाउस में कितनी हमारे स्टॉक है, तो यहाँ से आप वो भी देख सकते हैं ठीक है। इन्वेंट्री इन वेयर हाउस में आप जाएंगे तो वो दिखाएगा ये सब क्या है आइटम। ये देखिए ये वेयर हाउस 01 है तो उसमें ये आइटम है जो जिसकी स्टॉक आपको यहाँ पे आइटम प्राइस दिखा रहा है, स्टॉक आप चेक करना चाहते हैं इसमें आप आके देखिए इन स्टॉक इसके 0 है, कहीं भी नहीं है स्टॉक, जिसके होंगे वो इन स्टॉक में दिखाएंगे यहाँ पे आ जाएंगे जिस वेयर हाउस में होंगे, सारे वेयर हाउस आएंगे जितने वेयर हाउस बने होंगे सभी में आएंगे। देखिए इसकी आपके आइटम प्राइस है इन स्टॉक वैल्यू, ये देखिए इसमें है जो आइटम आपको अभी दिखे इन स्टॉक ये सब है इसमें स्टॉक में है, तो ये है आपका ये किस वेयर हाउस में है, तो यहाँ ऊपर में लिस्ट जैसे 01 वेयर हाउस आया था उसी तरह से आपको FG वेयर हाउस ये दिखाएगा। देखिए ऊपर चलते हैं आपको FG में दिखाएगा किस वेयर हाउस में है, उसमें वो वेयर हाउस का लिस्ट देगा, तो ये वेयर हाउस वाइज आ रहा है कि किस वेयर हाउस में हमारे कौन से स्टॉक है उसकी वैल्यू क्या है। ये देखिए 01 वेयर हाउस को ठीक है, तो इस तरह से आपको दिखाएंगे यहाँ पे आप इधर चलेंगे तो आप वेयर हाउस भी वाइज भी स्टॉक देख सकते हैं। इन्वेंट्री ऑडिट उसके बाद रिपोर्ट बैच एंड सीयर इन्वेंट्री वैल्यूएशन सिमुलेशन जो उसका सीरियल ट्रांजेक्शन नंबर ये सारे आप इसको ओपन करके इन्वेंट्री एजिंग रिपोर्ट जो इम्पोर्टेंट होता है वो ये है इन्वेंट्री एजिंग रिपोर्ट के डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स के आपके एजिंग देखना है तो वो आप एजिंग रिपोर्ट भी इसको देख सकते हैं
ठीक है, ये क्या है रिपोर्ट डेट आज का ले लीजिए, जिस डेट में आप रहेंगे उसी डेट का चलेगा, आप इसको चला दीजिए तो आपको ये एजिंग रिपोर्ट दे देगा कि आपकी क्या कैसे आपके पैरी करिए हैं, वो सारी चीज़ें आपको ये दिखाएगा। तो ये चीज़ें आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ये देखिए परमानेंटली एजिंग रिपोर्ट यहाँ पर आ गई, डेट वाइज आपके इसमें ये डिफरेंट डिफरेंट डेट्स में कैसे पैरी किया है वो सारे ऑर्डर ओल्डर देन जीरो, और उसके बाद अगर आप उसमें क्लासीफाई कर दें, अभी मैंने यहाँ पे कुछ क्लासीफाई नहीं किया था, वहाँ पे जितना डाल देंगे किस किस डेट से कहाँ तक लेना है तो आपको उस हिसाब से दिखाएगा कि कहाँ से कहाँ तक है। तो ये सारे चीज़ें हैं, तो ये सब आपको आरएनडी करनी है, आप लोगों को ये कैसे दिखना है क्या करना है ये सारे चीज़ें हैं जो इसमें जरूरी है, ठीक है। एक और आपको मैं फिजिकल काउंटिंग, फिजिकल इन्वेंट्री, फिजिकल काउंटिंग में क्या होता है कि सपोज दैट आपका स्टॉक एक्चुअल में क्या है 10 पीस है और सिस्टम में दिखा रहा है 8 पीस, तो आप उसको फिजिकल काउंटिंग करके 8 को आप 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो किस में है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में होगा, ट्रांजेक्शन ट्रांसफर एंड इन्वेंट्री आइटम मैनेजमेंट है, ट्रांजेक्शन इन्वेंट्री फिजिकल क्वान्टिटी आइटम मैनेजमेंट में होता है, इसी में इन्वेंट्री वैल्यूएशन मतलब नहीं, इसमें आइटम सेल बैच इन्वेंट्री फिजिकल क्वांटिटी केस इन्वेंट्री को जानना जरूरी है, इन्वेंट्री स्टेटस इन्वेंट्री पोस्टिंग वैल्यूएशन बता ही दिया आप लोगों को, इसको इन्वेंट्री काउंट, ये इन्वेंट्री काउंटिंग जो है वो हमारा है ये वाला ऑप्शन इन्वेंट्री काउंट, इन्वेंट्री काउंटिंग ये आता आ रहा है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री साइकिल कहते हैं, इन्वेंट्री साइकिल अभी आया था यहाँ साइकिल काउंट रिकमेंडेशन, इसमें आप आके काउंटिंग कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या है, सपोज दैट कोई आइटम है आपके पास, ये आइटम ठीक है, कोई आइटम हम को लेते हैं जिसका के स्टॉक चेंज करके दिखाते हैं, अभी जैसे कि ये दिखा रहा है 41 पीस है, ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लिया। अब ये बता रहा है कि इसका जो टोटल जो क्वांटिटी क्वांटिटी इन वेयरहाउस जीरो दिखा रहा है, ये हमारा आई थिंक इसमें था जनरल वेयरहाउस में था ये 46 या समथिंग, देखिए इसमें देखते हैं किसमें है, ये है जनरल वेयरहाउस, तो हम यहाँ पर वेयरहाउस ले लेंगे जनरल वेयरहाउस, ठीक है, इसको चेंज कर देंगे जनरल वेयरहाउस डाल देंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। बाकी देखिए अभी बता रहा हूँ क्वांटिटी इन वेयरहाउस 41, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या कीजिए, काउंटेड काउंटेड आप चेकआउट कर दीजिए और यहाँ पे आप डाल दीजिए कि एक्चुअल में फिजिकल क्वांटिटी कितना है, अगर आपने 41 डाला है यहाँ पे देख रहे हैं या आपके सिस्टम में 41 दिखा रहा है बट वेयरहाउस में क्या है 50 पर आ हुआ है, तो आप यहाँ पे 50 कर दीजिए, तो आपका स्टॉक क्या हो जाएगा 50 से अपडेट हो जाएगा, आप इसको ऐड कर दीजिए। तो अब जो आपको स्टॉक दिखाएगा वो कितना दिखाएगा, अब दिखाएगा ये 50, ये चीजें आना जरूरी है, ठीक है। तो इन्वेंट्री काउंटिंग जो है अपना, अच्छा अभी काउंटिंग क्या हमने पोस्टिंग नहीं किया, तो इसको पोस्टिंग करेंगे, कॉपी टू इन्वेंट्री पोस्टिंग, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर देते हैं तब जाके इसका इफेक्ट जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका, जो बढ़ रहा है उसके लिए बेटा, ये
अब जब आप इसका ये जब तक ये पोस्टिंग नहीं होगा तब तक इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, ये ध्यान रखिए। अब आप इसको जब देखेंगे तो आपकी जो एंट्री हो जाएगी उसका इम्पेक्ट पड़ जाएगा। ये देखिए ये हमारा 41 से 50 हो गया, ठीक है। तो दो चीजें करना है, इन्वेंट्री काउंटिंग करना है, देन हमें उसको पोस्ट करना है। पोस्ट करेंगे तभी जाके उसका जो नंबर्स ऑफ जो क्वांटिटी है वो इंक्रीज कर जाएगा। क्लियर है? यस सर। काम की चीजें बताया ना आज, कैप्चर 11-10 हो गया। अब कल हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ऑलमोस्ट जो बेसिक चीजें होती थी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आप लोग जितना R&D करेंगे, जितना होगा, अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं अभी तो मुझे और सीखना है, फिर से सेशन स्टार्ट होगा। अगर 1 अक्टूबर से